स की अगर आपको सीखना है ना तो फर्स्ट थिंग इज यू है दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पीस ऑफ माइंड पैसा दो तरीके से कमाया जाता है एक होता है बहुत सारा स्ट्रेस एंगजाइटी सुबह में उठ के एस जी एक्स देखना रात को डावजोस देखा नौ बजे ट्रेड करने के लिए कंप्यूटर पे आ जाना hmm. और स्ट्रेस लेके पूरा दिन निकालना आपके ये कमिटमेंट्स नहीं होते कि भाई मुझे सुबह उठ के ये करना है रात को ये करना है रोज रिसर्च करना है रोज एनालिसिस करना है रोज़ मेरी स्टॉक्स की पोजिशन को देखना है कौन सा बेचूँ कौन सा लूँ ये सब में लाइफ ख़त्म हो जाता है अगर आपका खुद का इंस्पिरेशन किसी एक सिस्टम से आ रहा है तो आप ज़रूरी है कि उस सिस्टम के ऊपर लगे रहे और बहुत सालों तक उसको प्रैक्टिस करें hmm. कि टाइम इज़ द बिगेस्ट वेपन विच यू कैन हैव ऑन योर साइड टू सक्सीड जब कोई एक स्ट्रेटेजी आपके अंदर से अगर आपको आवाज़ दे रहा है कि दिस इज राइट फॉर मी और इस स्ट्रेटेजी से मुझे कन्विक्शन मिल रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस स्ट्रेटेजी से मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा तो बस उस चीज़ को आपको पकड़ लेना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एक मॉडल है ये एक सिर्फ टेक्निकल टूल नहीं है दिस इज अस्टम इन इट मार्केट डजेंट केयर अबाउट टाइम ओके मार्केट हेड्स इज ओन साइकोलॉजी वो खुद की साइकोलॉजी पे चलता है ग्लोबल इवेंट्स ओवरऑल लोगों का कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये काम करता है गुड फंडामेंटल स्क्रिप्ट ओके अवेलेबल एट अ गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल प्राइस ओके ये दोनों चीज जब मर्ज होती है तो उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो बियॉन्ड कंपेरिजन आप जब रिस्क को डाइल्यूट करते हैं ना तो आपका रिटर्न भी इक्वली डाइल्यूट होता है नमस्ते दोस्तों मैं विजय और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वन के एपिसोड में अभी आज का जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में अभी अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूँ तो आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही नाम आता होगा वो है मिस्टर प्रेमल पारेख सो so, प्रेमल जी थैंक यू हमारे पॉडकास्ट uh, में आने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेमल जी को मैं बहुत सालों से जानता हूं और प्रेमल जी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं एक इंडिकेटर को फॉलो करते हैं जिसे हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं तो लोगों को लेकर बहुत सारे डाउट्स है आज ये वीडियो में मैं कवर करूँगा कुछ क्वेश्चन प्रेमल जी को मैं पूछूंगा तो प्रेमल जी सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी कब से शुरू की थी 2001 पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और उस टाइम पे आई वाज आल्सो न्यू तो मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था तो व्हाट आई ट्राइड टू डू इस मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे फादरली फिगर थे मेरे तो उनके एडवाइस से मैंने स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू किया था और ये हुआ कि उसी टाइम पे दैट कितन पारक स्कैम हैपन उसके एक दो साल के अंदर ही तो जो स्टॉक्स पोजिशन लेकर बैठे थे उसमें सेवेंटी एटी का गिरा होता Oh. उसके बाद रियलाइज हुआ कि ये जो चीज़ हो रहा है हमें खुद को अपने हाथ में लेना पड़ेगा तभी इसमें सक्सेस मिल पाएगी सो so, 2002 थाउजेंड टू थ्री में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू टेक्निकल एनालिसिस और वहाँ से मेरा जर्नी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का जो खुद खुद करने का था वो शुरू हुआ एक दो साल शुरू में चार्ट अकाउंटेंट की एडवाइस से किया था और उसके बाद फिर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट शुरू किया okay. तो आपको मतलब मेरा ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है ना वो बेसिकली मास्टर्स इन वन के बारे में है तो मैं यहाँ पे मतलब लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं तो आपको ये जो तरीका है आपको जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया उसको ये आपको कब ऐसा लगा कि यार मुझे ये ये इंडिकेटर को या ये स्ट्रेटजी को मुझे फॉलो करना चाहिए या स्पेसिफ़िक मुझे एक चीज़ में मास्टरी करनी चाहिए 2008 में जब नया नया इंटरनेट आया था इंडिया में और वो जो टिंग टोंग टाइप इंटरनेट चलता था वी यूज़ टू हार्डली गेट सम स्पीड तो वहाँ पे फेसबुक एक मीडिया था जहाँ से हम इंटरनेशनल लोगों से कनेक्ट कर पाते थे सो आई गॉट इंट्रोड्यूसर रेंडम सर्च टू समी मिस्टर टॉम डॉर्सी ओके तो ही डोर्सी यू एस एंड ही यूज़ टू प्रैक्टिस पॉइंट एंड फिगर चैटिंग ओके ना पॉइंट एंड फिगर चैटिंग जो है वो सबसे पुराना टेक्निकल एनालिसिस का मैथोलॉजी है फर्स्ट चार्टिच ड्रॉन वॉज ऑन पॉइंट एंड फिगर ओके जब तक मैं तो इंट्रोड्यूस टू थाउजेंड एट में हुआ तो चालीस पचास साल का इसका हिस्ट्री रहा है कि पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग लोग यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को चालीस पचास साल से यू एस में कर रहे थे नाम इस टॉम डॉर्सी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डॉर्सी राइट्स एंड एसोसिएट्स करके चलाते थे जिसके अंदर में उनके नीचे 200-250 लोग काम करते थे कुछ तीस चालीस सी एम टी काम करते थे एंड uh, मैंने उनको भाई रैंडम ही एक क्वेश्चन पूछा कि सर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप स्टॉक इन्वेस्टिंग का कैसे चलाते हैं बोला कि कुछ नहीं है वी ए जस्ट आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई और अगर हमको ये पता है कि स्टॉक में डिमांड है तो हम उस स्टॉक को लेकर बैठ जाते हैं Okay. उसके बाद हमें कोई डेली मार्केट देखने का मार्केट के साथ ओवरबोट ओवरसोल्ड हो गया तो पोजिशन को ये करने का वो करने का वो कुछ करना ही नहीं पड़ता है नाउ दिस आंसर यू नो वहाँ से मेरा वो यू नो इंक्विजिनेट टू फाइंड मोर अबाउट कि ये क्या है hmm. वो शुरू हुआ तो उस टाइम पे जो इंटरनेट तो नया ही था बट टेलीफोन चार्जेस पर आल्सो वेरी हाई आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ पंद्रह सोलह रुपये पर मिनट था कॉल टू यू एस तो टफ था फोन करके पाँच मिनट भी अगर बात करते थे तो इट यूज़ टू अस वेरी हाई बट मैं फेसबुक के ऊपर उनको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता रहता था जो भी मुझे मिलता था उसके ऊपर से और वो दो तीन दिन दो तीन दिन के गैप में मुझे आंसर करते रहते जब भी उनको टाइम मिलता था तो यूज़ टू तो आंसर माई क्वेश्चन ओके तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुआ नॉलेज मिलना लगा कि पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग हम इंडियन मार्केट्स में भी स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमको क्लियरली डिमांड एंड सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाई कर हुँ। सकते हैं फिर ये हुआ कि 2010 में ही मैसेज मी वन दैट आई एम कमिंग टू इंडिया फॉर अ रिक्शा रैली ओके रिक्शा रैली मतलब क्या है कि उन्होंने एक रिक्शा हायर किया था जो इंडिया टूर के लिए वो खुद ड्राइव करने वाले थे अच्छा और जैसलमेर में वो रिक्शा शुरू हुआ था जर्नी एंड त्रिवेंद्रम में खत्म होने वाला था ओ। तो ट्वेंटी और उनके तीन कलीग्स वर कमिंग टू इंडिया और वो लोग रिक्शा में इंडिया एक्सप्लोर करने वाले थे और खुद ड्राइव करके तो मुझे तो आई वॉज इन अहा पे हम दो घंटा मार्केट से दूर नहीं रह सकते हाँ। कोई आदमी इतना बड़ा टीम लेके बैठा है और इंडिया आके 21 दिन रिक्शा रैली कर रहा है जब इंटरनेट नहीं था इतना पावरफुल hmm. मोबाइल में तो था ही नहीं उस टाइम पे शायद तो कुछ तो है जो उनके पास है जो हमको डेवलप करना चाहिए है सो आई क्विकली फाउंड आउट कि रूट कौन सा है और अहमदाबाद बीच में आता था उस रूट में ओके सो आई होस्टेड एम और दो दिन मेरे साथ यहाँ पर अहमदाबाद में रहे हो और उस टाइम पे जो मेरे इंटरेक्शंस वन ऑन वन उनके साथ हुए सुबह में दो तीन घंटा शाम को एक घंटा ऐसा करके वहाँ से द होल हॉराइजन ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस आर एस इन डेप्थ वो मेरा ओपन हुआ था ओके सो टू थाउजेंड इलेवन वॉज माई लैंडमार्क ईयर वेयर फर्स्ट टाइम आई वॉज इन डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ हिम और वहाँ से ये नॉलेज मिला कि हाउ टू नो प्रैक्टिस आर एस इन अ मोर ब्रॉडर वे दैन इन 2012 अगले एक साल मैंने उसको इंडियन स्टॉक्स के ऊपर बहुत अप्लाई करके देखा लिमिटेड टूल्स अवेलेबल थे इंटरनेट पे जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग ऑफर करते थे पर जो भी अवेलेबल था उसमें मैंने स्टॉक्स के ऊपर वो अप्लाई करना शुरू किया उनकी डॉर्सी राइट्स की एक सिस्टम है कम्प्यूटर बेस्ड वो सब्सक्रिप्शन उस टाइम पे महीने का साढ़े तीन हज़ार रुपये इन इंडियन रुपीज़ मुझे पड़ता था

तो नॉट ओनली यू आर डिटोरेटिंग योर सेल्फ बट यू आर ऑल्सो डीमोटिवेटिंग द पर्सन अपोजिट जिसने खुद कुछ एक्सपीरियंस बहुत सालों की मेहनत के बाद हासिल तो दोनों चीज़ का ख्याल रख के आपको ये जो बार्गेन डिस्काउंट ये सब ये सब चीजें मांगनी चाहिए बट एनीट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू किसी का अलग भी हो सकता है ये चार साल मेरे लर्निंग ईयर्स थे टू थाउजेंड ट्वेल्व वॉज मैन आई एक्चुअली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बिग टाइम जहाँ पे मेरा बहुत बड़ा कैपिटल जितने मेरे पास अदर एसेट्स थे उसको भी मैंने डाइवर्ट करना शुरू कर दिया मार्केट में और एक एक इंडिविजुअल स्टॉक में लोगों के सारे पोर्टफोलियो आ जाए उतना बड़ा पोजिशन मैंने क्रिएट करना शुरू किया ओके okay. और वहाँ से बस आई नेवर लुक बैक ऑन एन एवरेज पिछले 11 साल तो ये बिग इन्वेस्टमेंट पे हो hmm. गए ना तो आई हैव सीन कि आर एस मैथडोलॉजी से जो आप जिसको आप सी बोलते हैं नो नॉर्मली सी एक्चुअली वो भी एक मिथ है सीएजीआर एक्चुअली नहीं यूज होना चाहिए बिकॉज इज इन्वेस्टमेंट पे आप पॉइंट ए पे पैसा डालते हो पॉइंट बी पे निकालते हो अगर आप पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी सी डी पे अलग अलग ट्रांचिज में पैसा डालते हो hmm. तो सीएजी सी फेल राइट वो भी यूज नहीं करना चाहिए बट यहाँ पे चलता है तो सब यूज कर रहे हैं बट आई डोंट माइंड इट बट अगर सी ए आर टर्म्स में भी देखें ना तो एटीन परसेंट के ऊपर ऑन एन एवरेज आर एस से हम रिटर्न हासिल कर सकते हैं दिस हैज़ बिन माई एक्सपीरियंस सम ईयर्स इट इज़ ऑल्सो ग टू सेवेंटी परसेंट इन बैड ईयर्स इट इज़ ग टू फाइव परसेंट बट ऑन एन एवरेज अगर मैं ग्यारह साल का मेरा एवरेज निकालू तो एटीन परसेंट से कहीं पर ऊपर ही जा रहा है नो तो एटीन टू ट्वेंटी फोर एक्सपेक्टेशन आप करके रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करके आप निकाल सकते दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीस ऑफ माइंड देखिए पैसा दो तरीके से कमाया जाता है एक होता है बहुत सारा स्ट्रेस एंजाइटी सुबह में उठ के एस जी एक्स देखना रात को डावजोन्स देखा नौ बजे ट्रेड करने के लिए कंप्यूटर पे आ जाना और स्ट्रेस लेके पूरा दिन निकालना और फिर आप एक सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट डालते कि आज मुझे पाँच लाख मिला तीन लाख मिला दस लाख मिला ना आप सोशल मीडिया के लिए तो लाइफ नहीं जी रहे हो ना नहीं आप जी रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू एनरिच योर लाइफ तो इतना स्ट्रेस जब आपके अंदर है तो आप लाइफ को एंजॉय कब करेंगे अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कमा रहे हैं तो डेट इज पॉइंटलेस और दूसरा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरीके में आपको हंड्रेड परसेंट पीस ऑफ माइंड होना चाहिए करेक्ट अगर कोई आदमी स्ट्रेस लेके फाइव सी कमाता है और दूसरा आदमी स्ट्रेस फ्री एरे के फिफ्टी लैक्स कमाता है तो आई वुड से फिफ्टी लैक्स इज मच मोर बिकॉज हज़ नॉट टेकिंग स्ट्रेस इन लाइफ या, और आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ में जो करना चाहो आप कर सकते हो आपके ये कमिटमेंट्स नहीं होते कि भाई मुझे सुबह उठ के ये करना है रात को ये करना है रोज रिसर्च करना है रोज़ एनालिसिस करना है रोज़ मेरी स्टॉक्स की पोजिशन को देखना है कौन सा बेचूँ कौन सा लूँ ये सब मैं लाइफ खत्म हो जाता है कोरोना री रियलाइज की लाइफ में कोई ये नहीं है कि सेवनटी के बाद ही मरता है यू you नो know, बहुत hmm. सारे आदमी पंद्रह दस बारह और right. बीस में भी चले गए hmm. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी डे इज प्रेशियस नेवर टारगेट दैट गोल कि मुझे तो सत्तर साल तक कुछ नहीं होने वाला है सो पीस ऑफ माइंड द कन्विक्शन विच यू बिल्ड प्रैक्टिसिंग दिस अप्रोच और आप लंबे टाइम तक इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके अपना मल्टीफोल्ड रिटर्न निकाल सकते हैं ये ब्यूटी है रिलेटिव स्टाइथ का वेरी गुड uh, प्रेमल भाई uh, तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के अलावा कोई दूसरी चीज यूज नहीं करते देखिए, हर एक आदमी का कोर होता है जो उसको अंदर से इंस्पायर करता है अगर आपका खुद का इंस्पिरेशन किसी एक सिस्टम से आ रहा है तो आप जरूरी है कि उस सिस्टम के ऊपर लगे रहे और बहुत सालों तक उसको प्रैक्टिस करें। करेक्ट अब रोज एक नया सिस्टम ढूंढेंगे रोज मैथडोलॉजी आपका चेंज करेंगे और क्या होता है ना सर कि बहुत सारे लोग हैं मुझे ऐसे बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमने ये स्ट्रैटेजी को छः महीना फॉलो किया रिजल्ट नहीं मिल रहा है ये स्ट्रैटेजी बकवास है सर हम दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि छः महीना इज़ द नॉट राइट टाइम क्या आप वो स्ट्रैटेजी को अच्छा या बुरा बोलो छ <laughs> देखिए छ महीना बोलने के लिए है बट एक्चुअली वी ऑल नो मार्केट रनस इन साइकल्स है ना अगर आप हिस्ट्री में जाके आपके व्यूअर्स अगर पीछे जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिटवीन थ्री टू फाइव इयर्स में कहीं पे रफली है hmm. ये जो मार्केट के तीन फेज जो हम बोलते हैं जिसको हम बुलिश मार्केट बैरिश मार्केट और साइडवेज मार्केट बोलते हैं ये तीन मेजर फेज है ये कंप्लीट होते हैं बिटवीन थ्री टू फाइव इयर्स के पीरियड में कभी छः साल भी लगा है और कभी तीन साल भी लगा है बट ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ ये तीनों फेज में आपका जो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं उसको जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और अपने आप को उसके मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ट्रेन नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आप ये स्ट्रेटेजी के लिए कितने तैयार हैं बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बारह महीने चलता है राइट। right. कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो बारह महीने चलता है तो मार्केट में भी आप जब ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो तो हर दो महीने हर महीने हर छह महीने में ये क्वेश्चन पूछना कि मुझे रिटर्न मिला कि नहीं वो इन इट सर आपने तो ज्यादा बोल दिया लोग आजकल देखिए आई ऑलवेज एंडोर्स्ड कि टाइम इज द बिगेस्ट वेपन विच यू कैन हैव ऑन योर साइड टू अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो सक्सेस आना मुश्किल है आप एक दो इंसान जब मैरिज भी करते है और एक साल में छोड़ देते एक दूसरे को तो क्या वो समझ पाए होंगे आप खुद सोचिए कुछ भी नहीं हाँ ये तो इम्पल्स में शादी कर लिया और इम्पल्स में डिवोर्स दे दिया ऐसा बात हो गया ना करेक्ट जो दो आदमी लाइफ में साथ में आते हैं उनको भी पहले तीन साल लगते हैं एक दूसरे की आदत और एक दूसरे को एडजस्ट होने बहुत अच्छी तरीके से ना? समझने में हाँ तो ये तीन साल जो क्या है वो लर्निंग पीरियड है दोनों का शादी तो बड़े बुजुर्ग हमको करा देते है बट हम दोनों को एक दूसरे को समझ के लाइफ को कैसे जीना कैसे ब्यूटीफुल अपनी लाइफ को बनाना और कैसे एक दूसरे के साथ सिंक में रह के लाइफ लॉन्ग जीना वो सीखना है इस तीन साल में तो वैसा ही कुछ मार्केट में अगर आपको मार्केट से कुछ सीखना है तो मार्केट के जो अलग अलग फेजेज है उसको आप एक्सपीरियंस करिए उस फेज में आपको एक स्ट्रेटेजी अपनी जो आपको इनर कन्विक्शन दे रही है देखिए हमारे पास सबके पास इनर वॉइस होता है भगवान ने सबको दिया है इनर वॉइस कि आप अपने आप को जब कुछ सवाल करते हो अंदर पूछते हो ना तो अंदर से भी जवाब आता है बट आजकल बाहर इतना हो गया है कि उसको हम ज़्यादा वेट दे रहे हैं अंदर की बात को हम भूल जाए जाते भूल जाते हैं सुनते भी तो नहीं जब नहीं। कोई एक स्ट्रैटेजी आपके अंदर से अगर आपको आवाज़ दे रहा है कि दिस इज राइट फॉर मी और इस स्ट्रैटेजी से मुझे कन्विक्शन मिल रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस स्ट्रैटेजी से मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा तो बस उस चीज़ को आपको पकड़ लेना है फिर ये मंकी बिजनेस नहीं करना है कि आज ये डाली पे बैठे कल वो डाली पे परसों तीसरी डाली पे तो आप अगर बंदर रहना चाहते हैं तो मंकी बिजनेस करिए अगर आप ह्यूमन हैं तो आप किसी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर अपना लाइफ जो है उसको कमिट कर दीजिए राइट सर तो आपका एक आइडियल मॉडल क्या होता है मतलब स्टॉक सिलेक्शन से लेके एग्जिट तक जो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ मेरा मेरा तो 12-15 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुँ। 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 हुए तो इट हैज़ बिकम अ यूनिवर्स फॉर मी जहाँ पे मैं बहुत बड़े उसको एंगल से बहुत तरीके से मैं उसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि मुझे किस एंगल से उसको कब प्रैक्टिस करना क्योंकि मुझे, मुझे मालूम है कि बुल मार्केट में मुझे क्या करना है बैर मार्केट में मुझे, मैंने तीन चार मार्केट रैली ऐसे फेस देख लिए बारह पंद्रह साल में तो मुझे ये मालूम है कि कहाँ पे कौन सा रिलेटिव स्टैंड का मॉडल मुझे यूज करना है बट सिंस आपके व्यूअर्स जो अभी नए है जिनको नहीं होगा राइट तो उनके लिए मैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बहुत शॉर्ट में अगर उसको एक्सप्लेन करूंगा तो उनको आइडिया आ जाएगा करेक्ट अब होता यह है कि किसी भी टेक्निकल एनालिसिस का टूल होता है उसमें नॉर्मली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो जाता है hmm. जैसे मूविंग एवरेज कोई यूज कर रहा है ट्वेंटी डेज फिफ्टी डेज कोई भी कर रहा है तो जब मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर काटती है तो बोलता है अभी लेने का टाइम है ऊपर hmm. से नीचे गई काट लिया उसको तो बोलेगा कि अभी बेचने का टाइम है बेसिकस आई यूज करता है हाँ। हाँ। तो ट्वेंटी एटी यूज हो सकता है या सेवेंटी थर्टी सेवनटी यूज हो सकता है hmm. तो सेवेंटी आ गया तो चलो ओवर सोल्ड ओवरबॉट हो गया है थर्टी आ गया तो ओवर सोल्ड हो गया है एक जगह पे बाय करो सेल कर दो अगर सिर्फ कैंडल स्टिक यूज कर रहा है hmm. उसको भी क्या होगा नीचे डोजी बना तो बोलेगा अभी बाइंग टाइम आ, आ गया hmm. क्यों क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर इक्विलिब्रियम पे है और यहाँ पे ये यह लोग कन्विंस नहीं है कि नीचे भी जाओ ऊपर भी जाओ तो लेट स्टार्ट बाइंग और hmm. वही ऊपर डोजी बनेगा एक Correct. ट्रेन के बाद हाँ. तो बोलेगा कि यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो गए हाँ. तभी तो इसको मैं प्रॉफिट बुक कर दू करेक्ट तो इन जनरल टेक्निकल एनालिसिस जो टूल्स है ना उसमें कहीं ना कहीं दे गिव यू फ्रीक्वेंट इन एंड आउट ओके ये फ्रीक्वेंट इन एंड आउट है ना ये आपको रोज मॉनिटर करना पड़ता है ये कब क्रॉस डाउन अप हो गया उसको आपको चेक करना पड़ता है और इसको करने के पीछे आप अपनी लाइफ का टाइम जो है वो जो दूसरी चीज़ों में जैसे आपको अच्छा कुछ पढ़ना है अपनी फैमिली को अच्छा टाइम देना है अपने खुद के लिए कुछ करना है वो सब आप नहीं कर पाते तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एक मॉडल है ये एक सिर्फ टेक्निकल टूल नहीं है दिस इज़ अ सिस्टम इन इट ओके ये क्या करता है किसी एक प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करिए जिसके बेंचमार्क के ऊपर आपका स्टॉक कितना आउट परफॉर्म करता है वो आपको ऑन गोइंग बेसिस पे बताता रहेगा ओके मतलब okay. क्या कि अगर फुल स्पीड पे जैसे अभी ये नया ट्रेन जो शुरू हुआ है हाई स्पीड अपना क्या नाम है उसका आ, जो मोदी जी ने अभी शुरू किया है वो वंदे अगर वो वंदे भारत वो चल रहा है वन सिक्सटी के स्पीड पे और एक स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन जब आता है तो उसको अगर ग्रीन लाइट नहीं मिलेगा तो 160 की स्पीड पे से भी उसको ब्रेक मार के रुकना पड़ेगा ना राइट right. जब ब्रेक मारेगा तो रुकेगा और रुकेगा तो टाइम वेस्ट करेगा और फिर पिकअप लेगा तो फिर से टाइम लेगा hmm. तो स्पीड आने में ब्रेक मारने में और रिकवरी करने में सब में उसका टाइम जाएगा hmm. ये होता है जब आप ओवरबर्ड ओवर सोल्ड वाला कोई भी मॉडल यूज करते रिलेटिव स्ट्रेंथ में क्या है स्टेशन के बाद स्टेशन, स्टेशन, के बाद स्टेशन आपको एक ग्रीन सिग्नल देता जाएगा अब हम लोग ने जो प्रैक्टिस शुरू किया है वो कर रहे हैं निफ्टी को बेंच मार्क के। ओके सो बिगेस्ट स्ट्रांगेस्ट द लार्जेस्ट मार्केट कैप गुड कंपनीज इन इंडिया आर इन निफ्टी फिफ्टी जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो बास्केट है वो अच्छे गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस वाले बिग मार्केट कैप वाले स्टॉक्स है जो निफ्टी फिफ्टी में है अगर मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो या मेरा इंडिविजुअल स्टॉक ऑनगोइंग बेसिस पे निफ्टी 50 को बीट कर रहा है ओके okay. तो वो स्ट्रॉन्गर है ना right, ये 50 स्टॉक हाँ, से हाँ। बस यही है हमको कि भाई हमें जो चाहिए वो यही है क्या चाहिए हमको मेरा स्टॉक या तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो हम एट एनी गिवन पॉइंट एट एनी गिवन पॉइंट इट शुड बी केपेबल टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क एंड द बेंचमार्क इज निफ्टी 50 निफ्टी ठीक है तो हम ये बेसिकली यूज करते हैं और निफ्टी फिफ्टी को आउट परफॉर्म करने से दो फायदे होते हैं अगर आप पिछले दस बीस साल का निफ्टी का एवरेज रिटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं थर्टीन परसेंट प्लस माइनस टू परसेंट के आसपास आता है कोई बोल रहा है टेन कोई बोल रहा है बट लेट्स ठीक है ना और रिलेटिव स्ट्रेंथ को उसके ऊपर लोड करके अगर आप सिर्फ फाइव एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करते हो तो थर्टीन प्लस फाइव इज एटीन परसेंटीन हो गया एज सिंपल एज दैट द थिंग इज के रिलेटिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्टोक विच यू है योर ओवरऑल पोर्टफोलियो मच मोर देन द निफ्टी फिटी बेंच मार्क तो मतलब आप ओवरऑल हमेशा निफ्टी को तो आउट परफॉर्म करोगे ही अगर हम हाँ, तरीके अब से ये दो तरीके से हो सकता है मान लीजिए एक साल में निफ्टी टेन परसेंट चला तो मेरा पोर्टफोलियो पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट चलेगा या ज्यादा भी चल सकता है ठीक है बट आपको यह भी समझना जरूरी है कि मान लीजिए एक साल में निफ्टी टेन परसेंट माइनस है ठीक hmm. है और उस साल में आपका पोर्टफोलियो सेवन या फाइव परसेंट माइनस है बट स्टिल यू शुड बी हैप्पी क्योंकि हम कम माइनस हुए हैं यस बट ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है कि वो हमेशा ये सोचता है, है माइनस मतलब लॉस और लॉस का मतलब दुखी होना नहीं मतलब मुझे तो ये लगता है कि आप जैसे स्टॉक मार्केट में जैसे आपने बोला बारह महीना एक सीजन नहीं रहता है वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हर साल सेम नहीं होते हैं कोई साल आपको थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट भी रिटर्न मिल सकता है फिफ्टी yes. भी मिल सकता है जो कोविड yes. के बाद Absolutely. मिला और कोई साल ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल डिजिट रिटर्न मिले यस yes. तो इट्स लाइक like, आपको ये देखना चाहिए कि आपके आने वाले पाँच साल में या दस साल में आपने ओवरऑल कितना रिटर्न कमाया है मार्केट से Yes. तो सर आप अभी मुझे एक एक छोटा थो, सा डेमो अगर दिखा सको कि अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैसे यूज कर सकते हैं hmm. और ये इंडिकेटर क्या फ्री अवेलेबल है hmm. तो आप बता सकते हो तो okay. अच्छा रहेगा मैं डेमो दिखा देता हूँ उससे hmm. पहले देर आर थिंग्स विच आई वॉड लाइक टू वॉइस ऑडियंस हाँ देखिए मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ जब मैं शुरुआत में आई यूज टू टाइम कि मतलब कि निफ्टी का परफॉर्मेंस तो मैं एक महीने का देखूँ तीन महीने का देखूँ या सिक्स मंथ्स का देखूँ नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम सी ए जी आर निकालते तो एक साल का निकालते हैं किसी भी एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो प्री डिफाइंड डेट लेते हैं जैसे तीन महीना एक महीना सिक्स महीना है ना बट मुझे बहुत तीन चार साल जब मैंने इनिशियल वो प्रैक्टिस किया ना उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मार्केट जो है वो कभी भी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब क्या कि एक महीना हो गया चलो लोगों को रिटर्न देना चाहिए <laughs> या तीन महीना हो गया चलो लोगों को अभी अच्छा दिखाना चाहिए मार्केट केयर अबाउट टाइम ओके मार्केट हेड्स इज ओन साइकोलॉजी वो खुद की साइकोलॉजी पे चलता है ग्लोबल इवेंट्स ओवरऑल लोगों का कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये काम करता है हुँ. है ना तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम जोन पे मैच करने के लिए क्यों रखे करेक्ट या दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ ओके एक नया कंसेप्ट कोई प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया में मैं yeah. कर रहा बट ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक मार्केट का मेजर टर्न अराउंड पॉइंट होता है जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ हुँ. या नीचे जाना शुरू हुआ है ना तो वो एक जो लैंडमार्क डेट होता है ना उस डेट को हम बहुत सारे पैरामीटर से अपने स्कैंस में चला के देखते हैं okay. जैसे मोस्ट प्राइमरी स्कैन हम चलाते हैं कि निफ्टी 500 का जो बास्केट है जिसमें एन एस के फर्स्ट के जो अच्छे स्टॉक्स है hmm. उस डेट पे जब मार्केट ने रिवर्सल दिया कहीं पे भी नीचे hmm. से ऊपर या ऊपर से नीचे तो ये जो 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स था उसमें क्या आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ तो उससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ये डेट का रिलेवेंस कितना है और इस डेट को हमें डिसीजन फैक्टर के लिए यूज करना चाहिए यानी ये okay. बहुत सिंपल एग्जाम एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट इसको हम आगे भी बहुत सारे लेवल पे लेके जा सकते हैं okay. ओके तो ए आर एस डेट हम बोलते हैं उसको जो अडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ करके हमारा डेट है hmm. उस डेट से एट एनी गिवन पॉइंट हमारा स्टॉक या तो हमारा पोर्टफोलियो उसको हम ऑन गोइंग बेसिस पे मैच करके देखते हैं कि वो कितना आउट परफॉर्म कर रहे हैं okay. और उससे हमें पता चलता है कि वेदर वी आर जनरेटिंग आल्फा विच इज पॉजिटिव अगर आपके व्यूअर्स को आल्फा के बारे में नहीं मालूम है तो आल्फा इज द डिफरेंस बिटवीन आपका इंडेक्स का रिटर्न टेन परसेंट है निफ्टी का और, और आपका पोर्टफोलियो फिफ्टीन परसेंट फाइव परसेंट और आल्फा ठीक है तो, अल्फा, हाँ. तो ये जो आल्फा जनरेट होता है वो इस वजह से होता है बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग ए आर एस विच इज वॉट वी कॉल एज अडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ओके ये मेरा खुद का मॉडल है hmm. इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद मैंने खुद ने उसको बिल्ड किया है एंड लकीली आई गॉट मैनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जिसने उसको ट्रेडिंग व्यू में कोड किया है और वी गेट अ ए आर एस लाइन जो हमें ऑन गोइंग बेसिस पर दिखाता है कि हमें इस स्टॉक में कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट लेना है ओके बट इन जनरल हर एक स्टॉक में पोजीशन बिटवीन नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स होता है और इस जर्नी में स्टॉक राइट फ्रॉम ट्वेंटी थर्टी परसेंट टू टू हंड्रेड परसेंट तक रिटर्न दे देता है ओके okay, और अगर डाउन साइड का क्या रिस्क होता है मतलब अगर नीचे जाता है तो देखिए ए आर एस लाइन है न हाँ। वो एक अपने आप अप में वो एक वो टूल नहीं है जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस का टूल बोलते हैं वो एक सिस्टम है हाँ। तो वो ऐसा नहीं होता है कि आज ऊपर गया कल नीचे चला जाएगा परसों ऊपर गया उसके बाद नीचे चला जाएगा ऐसा नहीं होता है वो, वो क्या होता है और ऐसा भी एक फेज आता है जैसे अभी पिछले एक सवा साल में मार्केट साइडवेज चल रहा है ठीक है ना हमको सबको मालूम है पिछले डेढ़ साल में आई थिंक इंडेक्स का रिटर्न फोर परसेंट से ज्यादा नहीं हाँ, है। पिछले था लास्ट ईयर हाँ बट अगर मान लीजिए ये जो रैली जहां से हम पीक हुए कोविड के बाद का hmm. उसके बाद का पीरियड डेढ़ साल होने का आया ऑलमोस्ट तो उस दौरान फोर फाइव परसेंट से ज्यादा इंडेक्स का रिटर्न नहीं है या बट अगर मुझे देखना है मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न कितना है या मेरे इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है hmm. उसमें मुझे कितना रिटर्न है ओके। okay. इस सवा साल में डेढ़ साल में तो मैं उसको मेजर कर पाता हूँ ये मेरे पास सिस्टम है hmm. जिससे आप मेजर करके ये जान सकते हैं एग्जैक्ट परसेंटेज में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न एज वेल एज व्हाट इज योर नेट अल्फा ये दोनों चीज आपको क्लैरिटी मिलती है राइट तो आपका स्टॉक सिलेक्शन का मेथड कोई आ, आप मतलब प्राइस वॉल्यूम ऐसा कुछ देखते हो या फिर आप सारे स्टॉक्स को स्कैन करते हो आई हैव हैव ऑलवेज बिलीव्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू टू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स बी है अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसा डाल रहे हो उसमें फंडामेंटल इन्वेस्टर एज वेल एज टेक्निकल इन्वेस्टर ये दोनों चीजों का मर्जिंग होना बहुत जरूरी है अच्छा ये दोनों चीज जब एक साथ मिलती है तो प्राइस को एक एक्स्ट्रा होने का चांस है। चांस मिलता मिलता है है बड़ा प्रोपुलेशन आता है अगर सिर्फ ट्रेडर वाला स्क्रिप्ट है तो उसमें हाई वॉलिटिलिटी आएगा क्यों क्योंकि वो ट्रेडर्स 10% के लिए ऊपर भी चढ़ेंगे और 5% परसेंट ड्रॉडाउन आएगा तो बाहर भी चले भी जाएंगे राइट सो दे आर लाइक हॉट मनी पीपल कि आए गए आए गए ठीक है ना फंडामेंटल बायर जो होता है वो आता है एक साल तीन साल पाँच साल दस साल के हॉराइजन से राइट right. तो वो स्टॉक में जब अंदर रहता है तो वो स्टॉक को स्टेबिलिटी ऑफर करता है ठीक है okay. अब मेरे पास जो स्टॉक है उसमें अगर स्टेबिलिटी है तो मेरे को फंडामेंटल बायर तो चाहिए जो अंदर रहना चाहिए हाँ. तो वट आई सीज गुड फंडामेंटल स्क्रिप्ट ओके अवेलेबल एट अ गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल प्राइस ओके ये दोनों चीज़ जब मर्ज होती है तो उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो बियॉन्ड कंपैरिजन सर ओके तो आप मेरे को एक एग्जांपल या कुछ आप बता दीजिए ना ऐसा कि भाई अगर किसी को देखना है कि कोई फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो उसका आर हमें कैसे उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करना चाहिए और क्या उसका एंट्री मतलब एंट्री लेवल हो सकता है और कभी हमें उसमें से एग्जिट करना चाहिए वो वो तरीका अगर आप एक बार बता सको तो मैं दिखा देता हूँ देखिए फंडामेंटल एनालिस में सिर्फ तीन चीज इंपॉर्टेंट मेरे एनालिसिस में मैं यूज करता रहा हूँ फर्स्ट है टॉप लाइन जिसको हम बोलते हैं सेल्स सेकेंड इज बॉटम लाइन जिसको हम बोलते हैं नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट और तीसरा है ई जो होता है अर्निंग पर शेयर शेयर राइट ठीक है किसी भी कंपनी का अगर आप देखेंगे बहुत सारे क्वार्टर आए जिसमें डी ग्रोथ चल रहा था और एक क्वार्टर आया जहाँ पे इसमें ग्रोथ ये, आया, आया। हाँ। हाँ। तो हमें पता चलता है ये टर्न अराउंड स्टॉक है ओके क्यों सात आठ साल या आठ दस क्वार्टर जो भी उसके खराब गए उसके बाद जब एक प्रॉफिट वाला ग्रोथ आता है तो हमें यह मालूम पड़ जाता है ना कि कंपनी मैनेजमेंट कुछ कर रहा है हाँ, जहां से ये कंपनी आगे जाके बेटर होने की कोशिश कर सकती है ना राइट और किसी भी अगर आप देखें तो टर्न अराउंड में ये नहीं होता है कि एक बार टर्न अराउंड आ गया फिर वापस वो नीचे चला गया नहीं ऐसा बिकॉज वो तब तक मैनेजमेंट पूरा जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव हो गया होता है है ना तो एक ये हो जाता है जो हमें पता चलता है दूसरा चीज है कोई ऐसा कंपनी है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंट ग्रोथ पे ग्रोथ जा रही है मतलब उसका सेल्स भी बढ़ रहा है प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं और ई भी इंप्रूव हो रहा है क्या आप मानते हो कि ऐसे कंपनी में जो फंडामेंटल इन्वेस्टर है वो एग्जिट लेगा कोई नहीं लेगा उसमें तो उसको तो मिल ही रहा है वो तो और उसका अर्निंग पर शेयर कंपनी का जो है इनडायरेक्टली तो वो शेयर होल्डर का ही पैसा है ना यस yes. कहीं ना कहीं तो उसी को आने वाला है या तो प्राइस में अप्रिसिएशन में आएगा या कंपनी डिविडेंड देगी या कहीं दे और कुछ मॉडल में लगा देगी बट उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो तो रोबस्ट ही है तो लॉन्ग टर्म बायर उसमें से निकलेगा नहीं है ना तो ये जो दो सिनारी मैंने आपको दिखा है इससे हमें क्लैरिटी मिल जाता है ठीक है फंडामेंटल एनर्ज को डाइव करना है और का बहुत जोर से अंदर जाना है वो सारे रेशियोज भी लगा सकता है चीज़ों को वहाँ तक कॉम्प्लिकेट कर सकता है वो लास्ट में खुद ही कन्फ्यूज भी हो सकता है कि अब मैं क्या देखूँ है ना बट मैं प्लेन सिंपल वेनीला मेथड फॉलो करता हूँ और ये वेनीला मेथड में ये तीन चीज़ मैं प्रायोरिटी में देख लेता हूँ अगर ये तीन चीज में मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो उसके बाद में उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो मेरा मॉडल है उसके ऊपर जाके देखता हूँ और अगर अच्छे एंट्री पॉइंट पे मुझे मिल रहा है तो आई विल स्टार्ट बाइंग दैट स्टॉक ओके ठीक है तो फंडामेंटल पार्ट में तो यही है टेक्निकल पार्ट है जिसमें मैंने ये अडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला टूल जो डिज़ाइन किया है hmm. वो कितना इफेक्टिव है वो अभी मैं आपको दो चार स्टॉक्स में दिखा देता हूँ so, सो ये देखिए आप आ, रेल विकास निगम का स्टॉक है अभी रेल स्टॉक्स में तो काफी रैली आ चुका है हाँ। और हम सबको मालूम है कि एक बार ऊपर चला गया तो सबको ये अर्ज भी होता है ना कि अभी प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक हंड्रेड परसेंट बढ़ गया या सेवेंटी एटी परसेंट बढ़ गया तो कहीं ना कहीं जब स्विंग ट्रेडिंग कोई करता है या किसी एक सिस्टम जो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करता है तो वहां पे उसको ये सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाता है कि ये स्टॉक ओवरबॉट हो गया है इसको आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दो ठीक है अब यहाँ पे आप ये देखिए मेरा जो मॉडल है जिसमें हम एडेप्टिव आ को प्रैक्टिस करते हैं ये टूल है और ट्रेडिंग uh, व्यू में ये फ्रीली अवेलेबल है तो ये यह यहाँ पे आप देखिए ये जब नेगेटिव होता है तो ये जब ये जो रेड लाइन है ना दैट इज बेसिकली जीरो लाइन ठीक है ये ज़ीरो लाइन ये है कि इसके नीचे जब होता है स्टॉक तो ये निफ्टी का जो बेंचमार्क है ना उसको अंडर परफॉर्म कर रहा है अच्छा और जैसे ये ऊपर आना शुरू हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करना उसने शुरू, शुरू कर।, कर दिया है ठीक है ना अभी मान लीजिए कि एक वीक में निफ्टी टू परसेंट गिरा और ये स्टॉक वन पॉइंट फाइव परसेंट ही गिरा नॉर्मल आदमी सोचेगा कि ये स्टॉक में डेढ़ परसेंट का करेक्शन वीकली आया है तो चलो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता बट अगर आप रिलेटिवली देखें तो ये स्ट्रांग है राइट right, ये क्योंकि ये आधा परसेंट बेंचमार्क निफ्टी से भी कम गिरा कम गिरा है तो हमें इसमें पोजिशन रखना चाहिए मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग हम लोग उसे नहीं बोलेगे जो सिर्फ निफ्टी के कंपैरिजन में चलता yes. है हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई निफ्टी अगर अगर 10 Nifty, अगर है निफ्टी मान लीजिए छह महीने में निफ्टी चार परसेंट गिर जाता है आठ परसेंट गिर जाता है हाँ. और मेरा जो बैट्समैन है जो मेरे टीम में है वो छह परसेंट गिरता है राइट right. तो वो निफ्टी का जो फिफ्टी स्टॉक्स का यूनिवर्स है उससे भी वो कम गिर रहा है तो वो क्या सिम्बलाइज करता है इसमें डिमांड है राइट इसमें जो इन्वेस्टर्स है वो इंस्पाइट ऑफ निफ्टीज करेक्शन इसमें से एग्जिट नहीं ले रहे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड करके बैठे और इसकी वजह से मुझे भी ये जो मेरा अच्छा पोजीशन है जहां पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसको मुझे काटना नहीं, नहीं चाहिए, चाहिए। right. ये आंसर आपको ये सिस्टम देता है करेक्ट ठीक है तो यहां पे आप देखेंगे ये जो है वो 21 सितंबर 2022 से पहली बार ग्रीन में आना शुरू हुआ मतलब ऑलमोस्ट 35 या 40 रुपए के आसपास अब यहाँ से हम देखेंगे ना हाँ यहाँ पे जाएंगे मेजर टूल पे जाके वी विल टेक द प्राइस okay. ₹34 20 पैसा hmm. ठीक है 34 25 से मान लीजिए ये आपने स्टॉक खरीदा है हम्म hmm. और आज भी आप इसमें है तो यहां पे आप देख रहे हैं ना ये जो जीरो लाइन के ऊपर है वो तो अभी आराम से चल रहा है करेक्ट ये नीचे नहीं जा रहा है नीचे क्रॉस डाउन भी नहीं दे रहा है ah. तो हमें इस स्टॉक को पोजीशन अभी भी काटना नहीं, नहीं है जब तक ये बेंचमार्क निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना शुरू ना करे ठीक है okay. तो आज जो इन्वेस्टर इसमें है वो आज भी इस प्रॉफिट के बावजूद भी यहाँ पे खड़े है और उनका भी आज आप यहाँ पे देखेंगे तो जो नेट रिटर्न समथिंग अराउंड देखिए 136 परसेंट रिटर्न ये स्टॉक जब आर एस पॉजिटिव हुआ उसके बाद दे चुका है hmm. अभी आप ड्यूरेशन जाके उसका देखिए 219 डेज hmm. 148 ट्रेडिंग सेशंस hmm. जिसमें ये स्टॉक ने कितना 136 परसेंट रिटर्न डिलीवर ऑलरेडी किया है और फिर भी hmm. ये सिस्टम कहीं पे भी इस स्टॉक में से आपको एग्जिट लेने का सिग्नल नहीं दे रही। ओके okay. तो अगर हम लोग ऐसे ये बेसिस पे ट्रेड लेते हैं या इस तरीके से हम लोग हमारा पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं तो हम लोगों को कितने स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में जनरली रखने रखने चाहिए या क्या क्या कैलकुलेशन होता है हमारा आ, मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मतलब हम एक स्टॉक में दस परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए फाइव परसेंट करना चाहिए किस तरीके से वो कर सकते हैं हम लोग देखिए मैं मानता हूँ कि ह्यूमन माइंड वो कंप्यूटर के कोर के जैसा नहीं है कि सेवन कोर प्रोसेसर फाइव कोर प्रोसेसर तो किसी भी एक सिस्टम को जब यूज करना शुरू करो तो सेवन कोर्स का धक्का लगता है हमारे पास दिमाग है अच्छा है बहुत पावरफुल है मच पावरफुल देन एनीथिंग एल्स इन यूनिवर्स बट वी आर वेरी बैड इन मल्टीटास्किंग अगर कोई आदमी एक काम कर रहा है उसके बीच में कोई और काम में उसको दूंगा तो उसकी एफिकसी 80 परसेंट घट भी जाएगी और दोनों काम ठीक से नहीं कर नहीं कर पाएगा राइट right. है ना दिस इज अवर माइंड लिमिटेशन है ना? यही चीज इन्वेस्टर को समझनी है कि जब आपके पास इतने स्टॉक्स हो जो आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो जिसका आप फाइनेंशियल्स भी देख नहीं पाते हो अगर क्वार्टरली रिजल्ट आता है किसी के पोर्टफोलियो में मैंने देखा है इतने स्टॉक्स का वो लोग ये जो टॉप लाइन बॉटम लाइन ईपीएस भी कंपेयर कर पाएंगे और कंपेयर करने के बाद कंक्लूड कर पाएंगे कि इसमें मुझे रखना है कि नहीं रखना है, नहीं, नहीं। है ना तो हमारे दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट देने के लिए सबसे कम जो है हमको उसको डिविजन करना चाहिए ठीक है आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो लोग भी रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करते मेरे साथ मैं भी तो 10 या 12 स्टॉक से ज़्यादा हम पोर्टफोलियो को डिवाइड नहीं करते ओके ठीक है देखिए डाइल्यूशन जो होता है ना जिसको हम बोलते हैं कि हम रिस्क को घटा रहे वो दो तरीके से होता है आप जब रिस्क को डाइल्यूट करते हैं ना तो आपका रिटर्न भी इक्वली डाइल्यूट होता है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क को डाइल्यूट कर रहे हो आप रिटर्न को भी डाइल्यूट कर रहे हो hmm. जब आप कॉन्सेंट्रेटेड बैट लेते हो बैट लेते हो ऑन इन्वेस्टमेंट तो नॉट ओनली यू आर डाइल्यूटिंग लेस बट यू आर चांसिंग गिविंग योर चांस टू अर्न बिग ऑल्सो आउट ऑफ दैट अनडाइल्यूटेड पोर्टफोलियो ओके मैं शुरू शुरू में 10-12 स्टॉक से काम करता था मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं जो में है, वो भी अभी स्टॉक्स पे काम का है। okay, तो आप पांच साल में शायद एक बार में ऐसा है कि जहाँ पे दस स्टॉक तक मैंने किया था हाँ. बाकी फाइव सेवन स्टॉक्स का यूनिवर्स मेरे लिए बहुत है और उससे जो मैं अल्फा जनरेट कर रहा हूँ मोर देन फॉर मी ओके और इतनी मगज कम यूज करके पीस ऑफ माइंड से पांच सात स्टॉक्स के यूनिवर्स में से अब फिनोमिनल रिटर्न्स विदाउट ट्रैकिंग एवरीडे मार्केट चेरिशिंग योर लाइफ एंड गिविंग योर सेल्फ कम्प्लीट ब्लिस इन लाइफ आप पैसा बना सकते हो सो so, आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर रहे हो लेस इज मोर का सही बात है ना देखिए लाइफ में हमारे अगर आप हमारे इंसेस्टर्स जो बोल के गए तो उनका अगर आप किसी पेरेंट को पूछेंगे तो बताएंगे कि उन लोगों ने भी यही हमको गाइड किया था कि आपको अगर आपके कबर्ड में बीस कपड़े रखने की ज़रूरत है तो आप पाँच रखिए आप पाँच रखेंगे ना तो उससे आपको दो चीज़ मिलेगा आप सिंप्लिसिटी में बिलीव करने लगेंगे और दूसरा आपको वेट कम लगेगा ऑन योर हेड सिर्फ पाँच कपड़ा है आपके पास एक दो तीन चार पाँच एक बार वीक में एक बार एक पहन लिया दूसरी बार यही चीज करना है बहुत सारा होने से आदमी मिसमैनेजमेंट में आ जाता है जैसे जूते हैं तो अगर आपके पास बीस पैर ऑफ जूते हैं अब ये रोज कंफ्यूज हो जाएंगे आज कौन सा पहनू उसके पीछे आप एफर्ट लगाएंगे दिमाग को यूज करेंगे अपने आप को उस ग्रिल में डालेंगे कि मैं कौन सा आज पहनू पर अगर आपके पास दो या तीन ही हो तो इट्स वेरी सिंपल नो अब गए अपने शू बॉक्स के पास दो या तीन में से जो एक है वो आप पहन के निकल गए करेक्ट आपको स्ट्रेस देना ही नहीं है अपने आप को तो ये स्टॉक्स का ऐसा है हमारे पास दिमाग है हमारे पास डेप्थ है हमारे पास वे बी ऑन एनी थिंग इन द यूनिवर्स द पावर ऑफ अवर मेंटल पावर इज सच या बट ओनली थिंग इज कि हमें उसको मल्टी टास्किंग नहीं कराना है और मैंने स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में भी देखा है जितने कॉरपोरेट हाउसेज है जब एक बिजनेस में थे तब देवर हाईली सक्सेसफुल जब उसी कॉरपोरेट ने मल्टीफुल डाइवर्जन करना शुरू कर दिया ये भी करना है वो भी करना है इसमें भी बिजनेस करना है उसमें भी जाना है तो कहीं ना कहीं एकाध बिजनेस फेल होने लगता है hmm. और वो बिजनेस मनी सकिंग यूनिट हो जाता है तो उसके पांच अदर बिजनेस का पैसा वो एक बिजनेस पाँच दस साल में खाली करके पूरे ग्रुप को फिनिश कर देता है करेक्ट हाँ देर आर मैनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस आप मार्केट में जाके ये देख भी सकते हैं तो ये होता है जो एक प्रमोटर होता है उसके पास भी उतने ही घंटे काम करने के लिए जितना सबके पास है

स्टॉक मार्केट में बहुत सारे वे है पैसे कमाने के ऑप्शन है इक्विटी है फ्यूचर्स है पर आपको आपके टेम्परामेंट को क्या सूट करता है वो आप करिए और उस बेसिस पे आप आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा स्टॉक खरीदने से या रोज ट्रेड करने से ज़्यादा प्रॉफ़िट करेंगे अभी आप लोग ने देखा कि प्रेमल जी ने ये क्लियरली बता दिया है कि वो पाँच स्टॉक से छः स्टॉक ही मतलब प्रेफर करते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए तो प्रेमल जी जस्ट एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था तो साल में कितनी एंट्री एग्जिट होती होगी आपके मैंने पहले ही बताया ना कि स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट आर एस पॉजिटिव स्टॉक्स में हम करते हैं एवरेज इन जनरल हाँ, नौ से बारह महीने का उसका होता है ओके मतलब अगर आप एक स्टॉक में एंट्री करते हो तो एक साल तो मतलब अगर मार्केट में तो एक से ट्रेंडिंग मार्केट है जहाँ पे एकदम से मार्केट अच्छा ट्रेंड करके चल रहा है तो शायद सिक्स मंथ्स में भी वो कंप्लीट हो सकता है मेरा जर्नी ठीक है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है जहां पे मार्केट साइडवेज घूम रहा है तो मैं बारह महीने भी रुक सकता चौदह महीने भी रुक सकता हूँ देखिए मैं ये मानता हूं ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्रॉस hmm. प्रॉफिट एक चीज होता है नेट प्रॉफिट दूसरा चीज होता है hmm. अगर किसी एक बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट थर्टी है तो सब खर्चे निकाल के टैक्स पे करके सब चीज करके उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा टेन ट्वेल्व परसेंट फिफ्टीन परसेंट थर्टी में से आधा तो उड़ी जाएगा हाँ, उसमें से है ना ये दस पंद्रह परसेंट कमाने के लिए कोई एक बिजनेसमैन पूरा साल आठ घंटे या दस घंटे काम करता है कम्यूट करता है दो सौ लोगों को एम्प्लॉय करता है सब मगजमारी लेता है लाइसेंसिस लेता है और बिजनेस करता है करेक्ट है कि नहीं तो अगर किसी एक सिस्टम को यूज करके उसके बिजनेस का सिर्फ इन्वेस्टर के अगर आपको एक सिस्टम ट्वेंटी थर्टी या फोर्टी परसेंट भी right. तो यहाँ पे आप कौन सा टाइम दे रहे हो यहाँ पे आप कौन सा लेबर कर रहे हो नहीं और आपको बिजनेस का रिस्क और ओवरऑल में बोलू एक बिजनेस करने में उसका जो इनकम होता है उसके ऊपर राइट फ्रॉम फाइव टेन परसेंट का इनकम टैक्स स्लैब टू थर्टी परसेंट तक का स्लैब है hmm. यहां पे दो ही स्लैब है शॉर्ट टर्म फिफ्टीन परसेंट लॉन्ग टर्म टेन परसेंट तो यू आर नॉट ओनली पैसिवली मेकिंग मनी यू आर ऑल्सो सेविंग बिग टाइम ऑन टैक्सेस राइट तो आपके व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि किसी एक स्टॉक में अगर ट्वेंटी थर्टी परसेंट आपको पूरे एक साल के बाद भी मिल रहा है तो यू शुड लर्न टू बी वेरी हैप्पी एंड चेरिश दो बिकॉज बहुत कम लोग हैं बिजनेस में जिनको कुछ किया नहीं है और ट्वेंटी थर्टी परसेंट रिटर्न मिल रहे करेक्ट है Correct. तो ये सोचने वाली बात राइट right. हमारे वीडियोस बहुत सारे बिजनेसमैन भी देखते होंगे तो ये वो बात को कनेक्ट कर सकेंगे तो अभी आपका एंट्री क्राइटेरिया आपने क्लियर कर दिया है कि आपका जो मॉडल है अगर वो जीरो से प्लस होता है तो आप उसमें स्टॉक में एंट्री लेने की शुरू करते हो और अगर वो वापस से जीरो के नीचे चले जाता है तो आप एग्जिट तो कर देते हैं तो आप उसको वापस से अभी जैसे ये RVNL है ये जो लेवल पे चल रहा है हुँ. जब तक ये जीरो के नीचे नहीं जाएगा तब तक आप एग्जिट नहीं, नहीं करेंगे ओके okay, तो वो ड्यूरेशन में प्राइस भी इसका ज्यादा करेक्ट yes, हो जाएगा यस राइट जैसे आई वुड लाइक टू रिलेटिव स्ट्रेंथ ये एस्टेब्लिश कब होगा हाँ एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर है और वो मान लीजिए मार्केट चार परसेंट हिला और स्टॉक एट परसेंट हिला ओके तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के इंडिकेटर पे वो प्लस होगा प्लस हो जाएगा राइट एट तो परसेंट प्लस के बाद आप आपको एंट्री लेना है तो कोई बोलेगा मुझे बॉटम नहीं मिला क्योंकि वो एट परसेंट प्लस नहीं हुआ तब तक, तक तो मैं ले नहीं पाया ठीक है दूसरा चीज वहां पर ऊपर होगा कि उसका एक पीक प्राइस आ गया उसके बाद उस स्टॉक ने ऊपर जाना छोड़ दिया करेक्ट मार्केट जा रहा है बट स्टॉक नहीं जा रहा है तो आपको एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद ये पता चलेगा कि स्टॉक ने परफॉर्म करना बंद कर दिया हाँ। तो यहाँ पे आपको एट परसेंट और भी चला जाएगा जो नीचे आपको कंफर्मेशन मिलेगा ठीक है ना बट देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिटवीन फर्स्ट इज जो वैल्यू बायर्स है जो एकदम डीप डिस्काउंटेड प्राइस पे बाई कर रहे उनको ये मालूम है कि ये स्टॉक में डिमांड आने वाला है कि नहीं, नहीं। क्योंकि कन्फर्मेशन ही नहीं है राइट वो तो अपने रिसर्च ब्लाइंड गेम खेल रहा हाँ। है कि मैं इसको डीप डिस्काउंट पे बाई कर रहा हूँ और अगले तीन साल में ये मुझे रिटर्न देगा कन्फर्मेशन नहीं है राइट है ना सेकंड वो ऊपर में भी जब कोई एक प्योर फंडामेंटल इन्वेस्टर है वो सोचता है अभी मुझे इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो वो भी हाइपोथेटिकल एजम्पन बेस्ड होता है राइट right, उसके कैलकुलेशन से उसको ये लग रहा है कि जो उसने सोचा था कंफर्मेशन नहीं है हाँ. है ना सो so, कंफर्मेशन अगर चाहिए तो दो चीज है टॉप्स और बॉटम्स को टारगेट करना आपको भूल जाना है राइट right. और इन बिटवीन जो जर्नी आपने किया ना hmm. उसको चेरिश करना शुरू करना है करेक्ट देखिए आप बॉम्बे से आए हाँ. मैं अहमदाबाद में हूँ ठीक है अहमदाबाद से बॉम्बे हम दोनों निकले जाने के लिए गाड़ी में हम बैठे तो जर्नी एक आदमी सोचेगा मुझे सबसे फास्ट उधर पहुंच जाना है उसके पीछे वो बहुत मेहनत मगजमारी करके रेस्ट ड्राइविंग करके हाई स्पीड ड्राइव करके अपनी लाइफ को थ्रेट में डाल के वो वहां पे मुंबई आठ घंटे के बजाय पांच घंटे में पहुंच जाएगा ठीक है दूसरा कोई आदमी हो सकता है जो बोलेगा मुझे बारह घंटे लगेगा मैं खुश हूँ बट मुझे इस जर्नी को एंजॉय करना है करेक्ट बराबर है ना तो दो अलग थॉट प्रोसेस से दो लोग एक ही कार में बैठ सकते हैं डेस्टिनेशन पे hmm. आप बोलिए कौन खुश होगा ऑब्वियसली जो जर्नी को आराम से मजे करते आ रहा है वो ही खुश होगा बराबर है ना सो इन्वेस्टर्स हैव टू लर्न दिस दैट आपको ये टॉप्स बॉटम्स कहीं पे नीचे सस्ते में ले लू ऊपर में बेच दू दिस इज ऑल योर सेल्फ पुटिंग इन स्ट्रेस और इसके लिए आप लाइफ अच्छा नहीं जी सकते करेक्ट अगर आपके पास ये मेंटल स्टेबिलिटी है कि आप बीच का जो जर्नी है उसको आप चेरिश कर पाए आपने कुछ नहीं किया सिर्फ एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया वो उसमें इन्वेस्टर बन गए और आपका रिटर्न निकल के आया और जो भी रिटर्न आया वो आप खुश है तो आप लाइफ को बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग और एक है कि जब भी आप बेचो मैं पहले भी अपने ग्रुप में बोल चुका हूं yeah, और यहां पे भी मैंने बोल रहा हूं कि जब भी, भी आप बेचो ऑलवेज विश द अदर पर्सन गेट्स मोर देन वॉट यू मेड जब आप खुशी बांटोगे तभी आपको खुशी मिलेगी बट इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि मैं टॉप में बेच दूँ और मेरे बेचने के बाद स्टॉक नीचे ही जाना चाहिए दैट मीन्स कि आप दूसरों को फुल बना के अच्छे टॉप प्राइस पे आप बेच के ख़ुद का घर भरने की कोशिश कर रहे हो और दूसरों के साथ आपको कुछ बांटना नहीं है तो ये खुशी की बात नहीं है इसमें दुख होने की बात है ठीक है आपके पास जो नेक्स्ट इन्वेस्टर है उसका भी फैमिली हो सकता है उसके भी बच्चे हो सकते हैं उसको भी अपनी नीड्स हो सकती है तो हमेशा अपने आगे वाले इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे पैसा छोड़ना सीखो अगर वो आप सीख लेते हो तो आपको यूनिवर्स ब्लेस करेगा एंड यू विल मेक योर मनी थैंक यू प्रेमल भाई आपने आज हमें टाइम दिया और आपने अपने आर एस मॉडल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें बताया अभी आ, मैंने प्रेमल भाई से पहले भी बात की थी इन्होंने मुझे पहले ही बोला कि विजय आर एस मॉडल बहुत बड़ा है अगर इसको मैं डिटेल में समझाने जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी मतलब बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा दो तीन घंटे का तो मैंने उनको बोला कि नहीं प्रेमल भाई हम सिर्फ आपके मॉडल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि कि ये काम कैसे करता है है बिकॉज अल्टीमेटली मेरे पॉडकास्ट का मतलब इंटेंशन यही है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लोग काम किस तरीके से करते हैं अभी हमने यहाँ पे हमारे चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और आपने बहुत सारे लोगों का तरीका देखा सिर्फ मेरा इंटेंशन ये है कि आपको कौन सा तरीका सूट करता है आप उसको फॉलो करो और आप उसको प्रैक्टिस करो और उसमें मास्टर बनने की कोशिश करो एब्सोल्युटली, आई फुल्ली एग्री जो इनिशिएटिव विजय जी ने लिया है वो सही डिरेक्शन में राइट right स्टेप है जब तक आप लोग एक किसी मॉडल को अपने जीवन में पूरा उतारेंगे नहीं उसको आप पूरा डाइजेस्ट करने के लिए अपने आप को समय नहीं देंगे मैं बोलता हूँ आपको तीन साल मिनिमम देना चाहिए किसी एक सिस्टम को एक्सपीरियंस करने के लिए तब तक आपसे सक्सेस दूर ही भागेगा द लर्निंग इज द टाइम वेर यू एक्चुअली गेन द कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट बिग मनी इन टू अ स्टॉक इन टू अ पोर्टफोलियो आपको देखो आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी या आपका टेम्परामेंट किसके साथ मैच होता है जैसे मैं मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग करता हूँ मैं ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूँ प्रेमल जी ने ये बताया ये सिस्टम है प्रेमल जी का आप किसी भी एक पर्सन को फॉलो करिए बट ऐसे फॉलो करिए जैसे प्रेमल जी ने बताया कि आपने वो सर को फॉलो किया और आप आज भी उनके मतलब उन, साल हो गए हाँ तो आप उनको फॉलो कर रहे हो दैट इज वेरी बिग थिंग आपके लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है तो प्रेमल जी मैं आपके आज के ये मतलब बातचीत से एक चीज तो जरूर सीखा हूँ कि आपके लाइफ में पीस होना चाहिए yes. आप पैसे तो कमा सकते हो बट आप पीसफुली कमाओ वो ज्यादा बेटर है yes. क्योंकि अगर आप पैसे कमा रहे हो अल्टीमेटली आप अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए कमा रहे हो yes. आप खुश होने के लिए कमा रहे हो और आप पैसे कमा के स्ट्रेस भी दे रहे हो बीमारियां भी ले रहे हो तो वो कोई काम का नहीं है थैंक यू प्रेमल जी Thank आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और मेरे लिए ये वीडियो बनाया आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रेमल जी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है तो देखिए फुल टाइम ट्रेडिंग आप करिए बट मेक इट श्योर कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपके जो फैमिली मेम्बर्स है उनका आप टाइम जो है वो काटेंगे नहीं अल्टीमेटली जब लाइफ में आपके पास सब कुछ होगा और वो लोग नहीं होंगे या वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे देन यू विल रियलाइज दैट मनी इज़ नथिंग ठीक है देखिए यूएस में बड़े बड़े नाम से जैसे बिल गेट्स है जेफ बेजोस है और बहुत सारे और अदर है जिनके पास इतना पैसा है कि अगले 200 साल तक वो तो रोज करोड़ों में स्पेंड करे तो भी ख़त्म नहीं होगा बट देर इज नो बडी इन देयर लाइफ हु दे कैन बी एट होम ठीक है तो पैसे के पीछे इतने भी मत भागिए और इतने ओवर्स भी ना दे दीजिए जहाँ पे जो आदमी आपके घर पे आया है जैसे आपकी लाइफ पार्टनर है वो अपना घर छोड़ के आपके वा, आपके वहाँ आइए तो उसका जो टाइम है उसको आप काटेंगे नहीं और उसको और अपनी प्रोफेशनल करियर को आप बैलेंस करके अपनी करियर बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक यू प्रेमल जी एंड आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आप लोगों को लगता है कि प्रेमल जी ने ये वीडियो में कोई नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो और ये नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करिए अगर आपको प्रेमल जी के साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना है तो मैं प्रेमल जी का यूट्यूब चैनल है प्रेमल जी ज़्यादा एक्टिव नहीं है बट मैं उसकी लिंक आपके नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा प्रेमल जी ट्विटर में बहुत एक्टिव होते हैं तो मैं ट्विटर की भी लिंक शेयर कर दूंगा और अगर आप लोगों को प्रेमल जी के किसी भी आर एस मॉडल का आप लोगों को थोड़ा बहुत और जानना है तो मैं उनकी वेबिनार की लिंक भी प्रेमल जी से लेके नीचे डाल दूंगा तो आप लोग वो चीज़ भी चेकआउट कर सकते हो और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आप लोगों को हमारी ये वीडियो और हमारी ये जो एफर्ट्स से आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और सारे बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ तो बस मैं आप लोगों से मिलूँगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए और थैंक यू प्रेमल जी आप हमारे पास आए।, आए और आज आपने टाइम दिया थैंक यू थैंक यू